इस रात को दुआएं बहुत करना है आपने, और हर किस्म की दुआ अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, लेकिन कुछ शरायत कोशिश करें कि इसमें अगर पूरी हो जाए तो कोई इम्कान ही बाकी ना रहे कि ये दुआ हमारी कबूल ना हो जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसा इम्कान बाकी ना रहे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बहरहाल दुआ एक ऐसी चीज है जो कजा को भी टाल देती, अगर मौत भी लिख दी गई है तो दुआ के जरिए टल सकती, लेकिन बस मसला यह है कि हमें उस गदागर की तरह से होना चाहिए। ये कहा जाता ना मुहावरा भी है कि अगर गदागर ही सुस्त हो तो साहिब खाना को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। भाई तुम खुद ही सुस्त हो, तुमने खुद ही आकर तकाजा नहीं किया, गिड़गिड़ा ही नहीं। जैसे कि इमाम खुमैनी से किसी ने कहा कि आयतुल्ला तकी बेजत से हम दरस इरफानियात लेना चाहते हैं, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते। इमाम खुमैनी ने कहा इसरार करो, कहा कि हमने बहुत इसरार किया तैयार नहीं होते, कहा उस वक्त तक इसरार करते रहो यहां तक के तैयार हो जाए। बातों का देखिए इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा आदमी को तगोदौ करना पड़ती है और यहां तक के वो कुफुल खोली जाता है। तो बहरहाल तो गदागर अगर सुस्त हो तो साहिब खाना को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। तो कोशिश ये करें कि इस रात को बस बैठ जाएं कि मुझे अपनी दुआएं कबूल करवा के उठना है परवरदिगार, ऐसे में नहीं उठूंगी। बस कुछ शर्तों का ख्याल कर लें। पहली तो शर्त यह है कि मुकम्मल खुशू कल्ब के साथ दुआ मांगे, रटे रटाए तरीके से ना हो, जैसे होता है परवरदिगार ये कर वो कर वो कर, बिल्कुल एक ऊपरी दिल से बस जिस तरीके से एक रटी हुई कोई चीज पड़ी जाती। और रिवायतों में भी है कि खुदा गाफिल ऐसी दुआ को कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल से जारी होती, यानी खुद जो दुआ करने वाला है वो इसको कोई खास अहमियत ना दे रहा। उसके बाद दूसरी जो शर्त, यानी पहली शर्त क्या हुई, खुशू कल्ब, मुकम्मल तवज्जो और कंसंट्रेशन के साथ दुआ मांगना, रटे रटाए तरीके से ना हो। दूसरी शर्त है वफा होनी चाहिए, वफा, उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो परवरदिगार पलट के हो सकता है आपसे ये कह दे उफे बेआहदे कुम, पहले तुम तो अपने किए गए वादे को मुझसे पूरा करो, यानी मेरी इताअत में जरा सरगर्मी दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी दुआ कैसे कबूल नहीं करता। तो वही जो अब इससे पहले हम बयान कर रहे थे कि गुनाह अगर आपके जिम्मे मौजूद है और सही तरीके से तौबा नहीं की है तो फिर कबूलियत दुआ में रुकावट हो जाएगी। तो वफा के मायने ये हैं कि आप भी अपने अहदो पैमान को पूरा करें परवरदिगार से, इताअत का अहदो पैमान, गुनाहों से बचने का अहदो पैमान, फिर देखिए कि परवरदिगार कैसे दुआ को कबूल नहीं करता। तो दूसरी चीज उलमा शर्त लगाते हैं वफा होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद तीसरी चीज मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगे, शक को शुबे वाली नहीं, पता नहीं परवरदिगार कबूल करे या ना करे, नहीं इंशाल्लाह परवरदिगार इसको जरूर कबूल कर लेगा, एक मुकम्मल यकीन होना चाहिए। इस तरीके से बच्चे जो दुआ मांगते हैं उनके दिमाग में नहीं होता है, आप कहते हैं ये करोगे तो ये, जैसे छाप थे वो जो हिकायत भी बड़ी मशहूर है कि उन्होंने ऐसी बच्चे से खेल रहे थे कि हाथ में कोई पैसा ली, कोई सिक्का लिया और गायब कर दिया उसको, कहीं छुपा लिया और कहा कि देखो ये अंतर मंतर जो मैं पढ़ रहा हूं इससे वो चीज गायब हो जाती। बच्चे ने कहा अच्छा, बच्चे ने भी उसको पूरे यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और चीजें गायब करने लगे। तो बाज़ोकात वो साहब जो जब बच्चा उनकी तरफ देखता था तो बहुत डर जाते थे कि उनको भी कहीं गायब ना कर दे। शिकायतों में मिलता है पूरे यकीन के साथ दुआ मांगना कि परवरदिगार, शक्को शुबे वाली बात नहीं, इंशाल्लाह परवरदिगार मेरा जब इस रात को बैठा हुआ है दुआ कबूल करने के लिए तो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, यानी शक्को शुबे वाली कोई कैफियत ना, पूरे यकीन के साथ कि मेरी दुआ कबूल हो गई। उसके बाद अगली शर्त है इल्हाहो मुबालिगा, यानी खुदा के आगे गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना, यह खुद एक बहुत बड़ा इस रात का दुआओं के सिलसिले में कमाल है। कि एक होता है बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बैठे हुए, नहीं बिल्कुल गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, झुककर जिल्लत के साथ दुआ मांगना, अपनी आवाज को भी ऐसा कर लेना जिस तरीके से रोने वाली जो आवाज होती है, तो फिर परवरदिगार आपकी दुआओं को कबूल करेगा। और उसके बाद उलमा एक चीज और भी कहते हैं, अगर इज्तिमा में आप हो खासतौर पर तो उस वक्त इख्फात होना चाहिए दुआओं में, यानी कोई आपकी दुआएं सुन ना रहा हो, यानी मसलन एक साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बहुत से लोग इतनी बुलंद आवाज से दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआ नहीं करवा रहे बल्कि इंडिविजुअल दुआएं मांग रहे हैं लेकिन बुलंद आवाज से नहीं, इख्फात
खामोशी के साथ दुआ। हाँ, जब इज्तिमाई दुआ मांगेंगे किसी तक उसके अंदर महफिल में बैठकर, तो फिर तो वो बुलंद आवाज से ही पढ़ी जाएंगी। उसके बाद कुछ मुकामात, कुछ औकात ऐसे हैं, कुछ औकात, उन औकात का अगर ख्याल कर लिया जाए तो दुआओं की कबूलियत में बहुत ही मुआविन होते हैं। उस वक्त इंसान बस इधर उधर वक्त को जाया ना करे, खासतौर पर जिस वक्त बहुत तेज हवा चल रही हो, तेज हवा को चलने के वक्त अगर दुआ मांगी जाए तो जरूर कबूल हो जाती है। इसी तरीके से अगर बारिश किसी जगह पर हो रही, बारिशों का सीजन भी है, लोग वैसे मजे लेते हैं बारिश में, लेकिन बारिश जब बारान रहमत इलाही बरसना शुरू होता है, एक तो वो मिर्ज़ा ग़ालिब का नजरिया था, वो कहते थे कि हमें बारान रहमत इलाही जो बरसता है उस पर एतराज नहीं, उस वो तो 5 मिनट बरसता है, उसके बाद 3 दिन तक हमारी छत बरसती रहती है, टपकती रहती है, उस पर एतराज होता है। तो बहरहाल अगर बारिश किसी वक्त हो रही है और उस वक्त आप दुआ मांगेंगे, वो औकात दुआ में से, उन औकात दुआ में से कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। इसके अलावा जिस वक्त आप तिलावत कुरान करती, तिलावत कुरान करने के बाद जो दुआ मांगेंगे उस वक्त वो दुआ जरूर इंशाल्लाह कबूल होगी। इसी तरीके से जिस वक्त अजान दी जाती, अजान की आवाज कान में आए, आप अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। इसी तरीके से नमाज फजर के वक्त, ये जो वक्त होता है बिल्कुल तुलुए सुबह सादिक के बाद जो फजर का अव्वल वक्त है, उस वक्त अलल खुसूस जो है जो दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। इसी तरीके से नमाज जोहर के बाद भी और नमाज मगरिब का जो वक्त है उस वक्त भी, ये दुआ को कबूल होने का बहुत ही अहम तरीन वक्त है। इसी तरीके से औकात में एक चीज और भी है, और वो है इफ्तार के वक्त दुआ करना। यानी उस वक्त फौरन इंसान खाने की जल्दी ना करे कि बस खाने पीने की चीजों को अपने हलक से उतार ले, हाथ में लेकर बैठे अपनी इफ्तारी, और उस वक्त जो है वो खास मौका है अपनी दुआओं को, 2-3-4 मिनट अगर लगा दिए जाए दुआओं की इफ्तार करने से पहले वक्त आ जाने के बाद, तो इंशाल्लाह वो दुआ उसकी जरूर कबूल हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स सिजदे के अंदर कोई दुआ मांगे, खैर ये तो एक बड़ी सआदत इस शख्स को मिली जो आपके सामने तो तस्वीर है, ये मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना जो जगह है वहां पर हालत सिजदा में इंतकाल कर गया शख्स। तो बहरहाल बाज औकात ये होते रियाजुल जन्ना, यानी कि जो जन्नत के बागों में से एक बाग है, पैगंबर की कब्र और मिंबर के दरमियान की जो जगह कहलाती, चंद फुट के फासले पर ही जो है कब्र रसूल मौजूद है, यहां से वहां पर ये शख्स हालत सिजदा में मसलन इंतकाल कर गया, तो सिजदे की हालत में जो भी दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। इसी तरीके से कहा जाता है कि दुआओं के सिलसिले में इन सबके पीछे रिवायत है कि तजर्रो, एहसास जिल्दत और शिकस्तगी का जो एहसास है उसके साथ दुआ मांगना, यानी बाकायदा रिक्कत पैदा हो जाए, जिस वक्त रिक्कत पैदा हो जाए, जिल्दत का एहसास, शिकस्तगी का एहसास, खुदा के आगे अपने आप को कुछ ना समझना, उस वक्त जब यह एहसास इस तरह का कभी पैदा हो जाए तो वो बेहतरीन मौका है। रिक्कत का पैदा हो जाना ही छठे इमाम फरमाते हैं कि कबूलियत दुआ की अलामत है। अच्छा, अब तजर्रो किस तरह से किया जाएगा, उसमें कुछ उलमा ने फरमाया कि 4 इसके तरीके हैं कि अपने हाथों की पुश्त को आसमान की तरफ बुलंद करें। एक तो जिस तरह दुआ मांगते हैं आप, तो जो हाथों का जो वो पोर्शन जो दुआ के वक्त तो आपके आंखों के सामने होता है, जिस तरह कुनूत में आप मांगते नहीं, हाथों को पलट दें, एक तरीका यह भी है दुआ मांगने का। और हाथों की जो पुश्त है, जिस तरफ अंगूठी का नगीना होता है, जब आप वो वाला हिस्से को आसमान की तरफ बुलंद करें, आसमान की तरफ इस हाथों को बुलंद करें, अगर इसको पलट दिया जाए तो हथेली वाला हिस्सा नहीं, उसके पुश्त वाला हिस्सा, इसको आसमान की तरफ बुलंद करें, और उसके बाद हाथों को दाएं और बाएं हरकत दें और कहें कि परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि मैं कयामत में असाबे यमीन में से हूंगा या असाबे यसार में से, मैं दाएं हाथ वाले गुरु में हूंगा या बाएं हाथ वाले गुरु में, अपने हाथों को दाएं और बाएं हरकत दें बंद करके, और उसके बाद अपने हाथों को ऊपर करें, कभी हाथों को नीचे करें कि परवरदिगार, मुझको नहीं पता कि तू कयामत के मैदान में मुझको पस्त करेगा या बुलंद करेगा। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा गिरिया उजारी शुरू हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए, तो ये बेहतरीन मौका, ये असबाबो अलामत इजाबत दुआ के अंदर चीज शुमार होती, और उसके बाद अपने हाथों को दोबारा आसमान की तरफ बुलंद करें कि मैंने जो परवरदिगार से हाथ मांगी है वो उसको लेने के लिए मैं हाथों को आसमान की तरफ बढ़ा रहा हूं, और इंशाल्लाह जब वो हाथ वापस आएंगे तो वो कभी भी नाकामो नामुराद हाथ वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो दुआ आपकी कबूल हो चुकेगी।
तो ये खास तरीका है तजर्रो के हवाले से शिकस्तगी का एहसास, कि इस तरह से आपको अपने हाथों की पुश्त को आसमान की तरफ बुलंद करना है, उसके बाद दाएं बाएं हरकत देनी है, फिर ऊपर नीचे हरकत देनी है, और उसके बाद जब कोशिश करें कि गिरिया जारी हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, फिर हाथों को आसमान की तरफ दोबारा उठाएं कि परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मैं इसको लेने के लिए हाजत को कबूलियत के लिए मैं हाथों को आसमान की तरफ अब उठा रही हूं। इसी तरीके से गिरिया उजारी के बाद, अच्छा उसके बाद फिर एक तरीका और भी है दुआओं की कबूलियत के लिए, छठे इमाम फरमाते हैं यानी हाजतमंद की हाजत रवाई करना। छठे इमाम फरमाते हैं कि बीमार जब तबीब को बुलाता है तो कुछ ना कुछ उसको देता है, बादशाह से जब अगर किसी की कोई हाजत होती है तो दरबानों को रिश्वत देता है किसी तरीके से बादशाह तक यानी रसाई हो जाए और वो हमारी बात को कबूल कर ले। खुदा से अगर किसी को हाजत मांगनी है तो वो मखलूक खुदा पर तसद्दुक करे, यानी सदका दे मखलूक खुदा को, तो परवरदिगार तुम्हारी उन तमाम दुआओं को कबूल कर लेगा। तो हाजत रवाई करना लोगों की, किसी की कोई हाजत है आप कोशिश करें कि शब कदर में आप उसकी, मसलन आपको तीन चार दिन बाद करनी है उसकी वो ख्वाहिश पूरी, आप उस रात को ही कोशिश करके कर दें। मखलूक खुदा की हाजत रवाई करना, लोग बाकायदा अपने टाइम टेबल में उसको बना के रखते हैं कि फला फला शख्स का हमें ये काम कर देना है उस रात को, या काम कर दिया उस रात को इत्तला देके उसका दिल खुश कर दें तो सारी दुआएं उसके सदके में आपकी कबूल हो जाएंगी। इसी तरीके से गैर के लिए दुआ करना, गैर के लिए दुआ, गैर को दुआ करने का फायदा यह है कि दूसरों को मुकदम किया जाए, यानी अपनी दुआओं से पहले दूसरे लोगों के लिए आप दुआ करें। अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी उसके बाद घर वाले। और पैगंबर फरमाते हैं कि दुआ को हमेशा आम करें मखसूस ना करें तो वो दुआ जल्द कबूल हो जाएगी, यानी क्योंकि तमाम मोमिनों मोमिनात के लिए जब दुआ करेगा तो खुद भी उसी के अंदर शामिल है, उसके तमाम रिश्तेदार भी उसी के अंदर शामिल हैं जी, उसके तमाम रिश्तेदार भी उसी में शामिल हैं। तो बहरहाल उसकी खुद तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी अगर उसने ऐसा किया। और सबसे बेहतरीन दुआ भी पैगंबर फरमाते हैं कि वही दुआ होती है जो एक गायब किसी दूसरे गायब के लिए करता है, सबसे बेहतरीन दुआ वो वाली दुआ होती है। और बाकायदा एक फरिश्ता पर आसमानों में परवरदिगार पैदा करता है कि जो भी दुआ करता है दूसरों के लिए वो फरिश्ता आमीन कहता जाता है, और वो ये दुआ करता है कि ये दुआ तूने किसी और बिरादर मोमिन के लिए की है, तुझे परवरदिगार इसका दुगना, और परवरदिगार उसकी उस दुआ को फरिश्ते की कबूल कर लेता है। यानी जो दुआएं आप दूसरों के लिए मांगेंगी वो दुगनी तौर पर खुद आपके लिए कबूल हो जाएंगी, कितना बड़ा फायदा है इसका। और सबसे बेहतर ये कि जो छठे इमाम ने फरमाया कि पहले 40 मोमिनीन के लिए दुआ करे फिर अपने लिए दुआ करे, तो कोई इम्कान ही नहीं रहेगा कि उसकी दुआ कबूल ना हो। आप बाकायदा लिस्ट बनाए, कम से कम 40 मोमिनों मोमिनात के लिए पहले आप दुआ कर लेंगे। उसके बाद अगली शर्त यह है कि दुआओं को शुरू करने से पहले खुदा की हमदो सताइश करें, खुदा की हमदो सताइश करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। अभी दुआ आपने शुरू नहीं की है, पहले खुदा की हमदो सताइश की, उसके बाद नेमतों पर शुक्र किया। नेमतों पर शुक्र के बाद अपने गुनाहों का इकरार करें, एक एक गुनाह को सोचें, परवरदिगार मैंने यह गुनाह किया था इसको माफ कर दे, परवरदिगार मैंने यह गुनाह किया था इसको माफ कर दे, गुनाहों का इकरार करें, और फिर खुदा से सवाल करें, फिर देखें कि उसकी दुआ कैसे कबूल होती। जब ये रिवायतों में बयान हुआ कि खुदा की कसम कोई शख्स अपने गुनाह से उस वक्त तक बाहर नहीं आता जब तक कि अपने गुनाहों का इकरार ना कर ले, अपने गुनाहों का परवरदिगार से इकरार करें, रोएं गिड़गिड़ाएं उसके सामने, फिर देखें कैसे दुआ कबूल नहीं होती। और उसके बाद दुआओं की कबूलियत के लिए कि दुआ आसमान पर रुकी रहती है और उस वक्त तक कबूल नहीं होती, अगर कबूल करवाना है तो उसके साबिक में और लाहिक में, यानी इस दुआ के शुरू में और दुआ के बाद अगर दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे पढ़ा जाए, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले, दुआ आसमानों पे रुकी रहती है और कबूल ही नहीं होती जब तक के साबिक और लाहिक में दुरूद जो है वो उसके ना हो। तो दुआ के शुरू में भी दुरूद पढ़ें, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ें, दरमियान में अपनी दुआ को रखें, ये एक तरीका है दुआ को कबूल कराने का। इसके अलावा अगला तरीका है तकमील शराइत, मसलन कोशिश करें कि अगर आप दुआ से पहले अगर बावजू हो तो बहुत कभी इम्कान है आपकी दुआ को कबूल होने का। गुसल किया हुआ हो, वजू किया हुआ हो, जिस्म ताहिर हो, लिबास हमारा पाको पाकीजा हो, ये तमाम चीजें। इसके अलावा बरतरफी और मवानियात,
यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि कबूलियत दुआ में रुकावट बनती हैं, जिन गुनाहों का हमने पिछली दफा भी तस्करा किया था, मसलन नमाज फजर को कजा करके पढ़ना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना करना, अभी जैसे कि आपने सुना, कोशिश करें कि सच्चे दिल से दुआ करें ताकि जो कबूलियत दुआ में रुकावट चीजें ये सारी दूर हो जाए। और इस रात को अलल खुसूस सदका देने के बाद अगर जो भी आप दुआ करेंगे वो दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। बाकायदा बच्चों को आदत डालनी चाहिए, ईरान में जगह जगह इस तरह से सदका बॉक्स बने हुए हैं और लोग बच्चों को तशवीक और तरगीब के लिए उनके हाथों से, खैर हमारे यहाँ भी होता है कि संदूकचियों में माएं बच्चों के हाथों से डलवाती हैं, लेकिन इसको हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। जो इंतहाई अहम तरीन अमल है, जो पिछली दफा भी इस बात के लिए जिक्र हो गया था शेख अब्बास कुम्मी ने, शेख सदूक के हवाले से जो रईसुल मुहद्दिसीन कहलाते हैं, शेख सदूक को रईसुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, कि आज की रात का सबसे बड़ा अमल जो है वो मसाइले फिका में गौर व फिक्र करना। कोशिश करें या तो आप कोई दर्स सुने, कोई कैसेट लेकर सुने, और इतना अहम तरीन चीज है ये कि देखिए खास तौर पर मसाइले दीनिया का सीखना, दर्स व तदरीस में जाना, उलमा तक ऐसी तमाम महाफिल और मजालिस के अंदर जो है वो शरीक होते हैं। आप भी कोशिश करें कि जिस तरीके से आप माशाल्लाह यहां पर आती हैं, इसी तरीके से इस रात को भी अगर कहीं जाना मुमकिन नहीं किसी ऐसी जगह, तो आप अपने घर पे इसका इनेकाद करें, कोई एक दर्स मुनाकिद कर लें, कोई एक प्रोग्राम रख लें, या कुछ नहीं अगर कोई खवातीन रख सकती हैं तो कम से कम एक कैसेट इस रात को जरूर दर्स व तदरीस के हवाले से जरूर करें। मुकद्दस अर्दबेली ये वो शख्सियत थी कि जिनकी अपनी मर्जी से इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुआ करती थी। और इतने ज्यादा तकद्दस में आप थे मुकद्दस अर्दबेली कि जिस वक्त ये करबला में होते थे, यानी जब ज्यारत के लिए करबला जाते थे तो रफा हाजत के लिए 12 मील दूर करबला से दूर जाया करते थे। कहते थे मुझे शर्म महसूस होती है कि जिस जमीन में इमाम का जिसमे मुतहर आराम कर रहा हूं मैं वहां पर अपनी निजासतों को गिराऊं। मुकद्दस अर्दबेली और नजफ में पहले भी ये तरीकेकार था कि हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई होती थी, जुमेरात को आधे दिन के बाद सब लोग नजफ से करबला जाते थे और उसके बाद जुमेरात को जाते थे और फिर जुमे के बाद फिर वहां से दोबारा चलते थे। अच्छा, जब जाहिर है कि नजफ से करबला अब तो तकरीबन ट्विन सिटी जैसे हो गए हैं ये, लेकिन ये कि पहले जमाने में तो एक अलग अलग शहर हुआ करते थे दोनों, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने से नमाज कसर हो जाती। लोगों ने देखा कि मुकद्दस अर्दबेली बिल्कुल एक अलग तरीके का रहन का, ये नमाज पूरी भी पढ़ रहे हैं और कसर भी पढ़ रहे हैं। देखिए फिकही मसला है कि अगर किसी शख्स का सफर हराम का सफर तो उसको नमाज कसर की सहूलत नहीं मिलती, यानी फिर उसे पूरी नमाज पढ़ना पड़ता। अगर कोई शख्स कराची से लाहौर जाए किसी को कत्ल करने के इरादे से, इसका ये सफर मासियत कहलाता है, इसमें कसर की सहूलत उसे नहीं मिलेगी। नाशेजा औरत जिसका मैंने पिछली दफा कहा था कि वो अपने शौहर के हकूक पूरे नहीं कर रही और उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ के दूसरे शहर अपनी माँ के घर वापिस चली गई है, तो ये जो सफर है इसका, ये नाशेजा औरत का सफर, ये सफर है मासियत, गुनाह का सफर कहलाएगा, इसको सफर में नमाज पूरी पढ़ना है क्योंकि ये सहूलत उसको नहीं मिलेगी कसर करने की, यानी 4 रकत ही नमाज को जो 2 रकत करने की सहूलत है इसको नहीं मिलेगी। मुकद्दस अर्दबेली का तरीकाकार लोगों ने देखा कि देखिए ज़ियारत अतबात आलिया यानी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाना कितने अजीम व शान सवाब के कामों में से एक है, तो मुकद्दस अर्दबेली से जब लोगों ने पूछा कि आप नमाज कसर भी पढ़ते हैं और पूरी भी पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मेरा ये तालिब इल्मी का जमाना है, मैंने अभी वाजिबात का मुकम्मल इल्म हासिल नहीं किया है। एक तरफ तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ज़ियारत अतबात आलिया इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत का सवाब अजीम तरीन सवाबों में से एक है, तो मैं नमाज अपनी कसर पढ़ता हूँ। दूसरी तरफ मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये तो एक मुस्ताब सफर है, मुझ पर तो वाजिब अभी बहुत सारे इल्म हासिल करना, वाजिब अपने मसाइल का इल्म हासिल करना, बहुत सी चीजें जो भी मैंने हासिल नहीं की, तो कहीं मेरा मुस्तहबात के लिए सफर कहीं हराम सफर ना बन जाए, इस शक को शुबे की वजह से मैं नमाज को पूरी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर शक हो जाए कि हराम सफर है या नहीं, तो अपनी शरई जिम्मेदारी इस तरह से तायुन करते थे कि नमाज पूरी भी पढ़ते थे और कसर भी पढ़ते थे कि मेरा वहां पर जियारत के लिए जाना भी कहीं हराम ना हो जाए, क्योंकि वो बहरहाल अपनी तमाम तर फजीलतों के बावजूद मुस्ताब सफर है और अभी मुझ पर बहुत सारे ऐसे वाजिबात का इल्म हासिल करना बाकी रह गया है कि जिसपे मेरी आकिबत का दारो मदार है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इस रात को जब भी कहा जाए, बहुत सी खवातीन पूछती हैं
कि क्या मसलन दुनियावी जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं क्या ये इल्म के अंदर नहीं आता, हम बैठ के अपने कोर्स की किताबें अगर पढ़ते रहें, मैथ्स के मसले सॉल्व करते रहें और फिजिक्स पढ़ते रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें, तो इस पे इंशाल्लाह हमारी जो अगली गुफ्तगू होगी उसमें हम ये बातें बयान करेंगे आयतुल्ला मोहम्मद मोहम्मदी रीशाहरी के हवाले से, कि उन्होंने जो सिलसिले में बातें बयान की हैं कि कौन सा इल्म इस रात को हासिल किया जाए। लेकिन कम से कम मसाइले फिक्ह का इल्म जो आप लोगों के वाजिबात में से है कि अभी बहुत से मसले सीखने बाकी हैं, उस रात को इस इल्म के हासिल करने में